मकर संक्रांति के चलते शहर में बड़े प्रमाण में प्रतिबंधित नायलॉन मांझे के साथ ही पन्नियों से बनी पतंगों की बिक्री हो रही है। बावजूद इसके संबंधित विभाग किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। अकोला शहर में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे के साथ ही पॉलिथीन से बनी पतंगें बिक रही है। बावजूद इसके अभी तक किसी भी विभाग ने कार्रवाई नहीं की है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। नायलॉन मांझे के घातक दुष्परिणामों को देखते हुए शासन ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके कारण नायलॉन मांझे को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बावजूद इसके नायलॉन मांझे की शहर में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। नायलॉन मांझे के साथ ही पतंगों की दुकानों पर पॉलीथीन से बनी पतंगों की भी जमकर बिक्री हो रही है। शहर के लगभग सभी पुलिस थानों की हद में पतंगों की दुकानें हैं, जहां नायलॉन मांझे के साथ ही पन्नी से बनी पतंगों की बिक्री हो रही है। मकर संक्रांति को महज एक दिन का समय शेष रह गया है, जिसके कारण पतंग और नायलॉन मांझे की खरीदारी उफान पर है। नायलॉन मांझे की मांग अधिक और मार्जिन भी ज़्यादा होने के कारण पतंग व्यवसायी चोरी छिपे युवाओं को प्रतिबंधित नायलॉन मांझा उपलब्ध करा रहे हैं। नायलॉन मांझे के घातक दुष्परिणामों को देखते हुए पुलिस, सामाजिक वनीकरण, महानगर पालिका, वन विभाग कोई भी कार्रवाई करने तक को तैयार नजर नहीं आ रहा है। इन विभागों की ढिलाई का कारण समझ नहीं आ रहा है। वहीं पतंग विक्रेता प्रतिबंधित नायलॉन मांझा और पन्नियों से बनी पतंगों को मनमाने दामों में बेचकर एक ही दिन में लाखों की कमाई करते नजर आ रहे हैं।